चाहे मंत्रिमंडल को विस्तार हो या फिर होवे वाले उपचुनाव, मध्य प्रदेश को चंबल इलाका सियासत को सबसे बड़ो केंद्र है। लेकिन इस सियासत के सबसे बड़े केंद्र में धीरे धीरे कोरोना ने ऐसी पकड़ बना ली कि जीखो देख लो सुन लो तो शायद डर लगे, डर इसे भी लगे काय के चुनाव की तैयारी में इतने नेतागिरी भी खूब हो रही और सरकार भी कोरोना को तनक इतने उतने भूल के लगी है चुनाव की तैयारी में। ताजा आंकड़े देखो मध्य प्रदेश के चंबल इलाके के तो शायद आप सोच में पड़ जाओ कि आखिर इतने चुनाव कैसे संभव हुई है और चुनाव की जो तैयारियां हैं वे इलाके पे कैसे भारी पड़ने वाली हैं। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़ा जारी करे है उसके मुताबिक एक दिन में मुरैना में मिले हैं 73 कोरोना पॉजिटिव। मुरैना वही जिला है जितने 5 सीटों पे उपचुनाव है और एक दिन में 73 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं मध्य प्रदेश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक। कुल 481 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं मुरैना में। फिलहाल 3 दिन को कलेक्टर ने कर्फ्यू लगाओ है जो सोमवार से अभी भी चल रहा है। मुरैना के अलावा ग्वालियर जिले में भी उपचुनाव है और उतने एक दिन में मिले हैं 25 कोरोना पॉजिटिव। कुल 393 अभी तक कोरोना पॉजिटिव मरीज इतने मिल चुके हैं। भिंड जिला में भी चुनाव है, इतने 22 कोरोना पॉजिटिव मरीज एक दिन में मिले हैं और आंकड़ा पहुंचे है 245। इसके अलावा अशोकनगर दतिया गुना में भी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और इतनी बड़ी संख्या में कोरोना को संक्रमण फैलने के बाद अब ये सवाल लाजमी है कि इन इलाकों में चुनाव की तैयारी जरूरी है कि कोरोना के संक्रमण को रोकवो। फिलहाल मुरैना की कलेक्टर ने जरूर जा बात कही है कि हो सकत कि मुरैना में कर्फ्यू बढ़ा दो जाए काहे के हालात बहुत गंभीर हो चले हैं। जैसी स्थिति दिख रही है पूरी संभावना है कि हमको कर्फ्यू को बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये जो ऑलरेडी स्प्रेड हुआ है उसको हम प्रॉपरली कंटेन कर पाए। और इसमें हमारा टारगेट भी यही रहेगा कि शहरी क्षेत्रों में जो हम किल कोरोना अभियान चलाएंगे इस दौरान जितने भी प्रकार के हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको हम पहले बुला के जो है उनका सर्वे व्यापक स्तर से पहले अपन डेडिकेटेड फोकस तरीके से कर ले ताकि धीरे धीरे हमारे दुकान खुलते रह जाए। मध्य प्रदेश में सरकार बनवे के टाइम से ही कोरोना की एंट्री भई और अब उपचुनाव तक कोरोना को जोर है। लेकिन कहूँ जो उपचुनाव मध्य प्रदेश के चंबल इलाके की जनता की जान से भारी न पड़ जाए।